शेख रशीद साहब मीडिया से बात अपने साथ साथ नाजरीन को दिखा रहे हैं कि जो जज्बे और बलबले से अदालत में लड़ा है और इंशाल्लाह ताला इंसाफ का आलम बुलंद होगा, ताबूत भी निकलेगा और सबूत भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। और 40% नतीजा आ चुका है, 60% नतीजे ने और कंबाइन मिलकर आना है, 100% और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पप्पू पांचों में फेल होगा इंशाल्लाह। बेसिक बात जो मैं कहने चाहता हूं सारी कौम को, जब कौमें कानून के आगे सरनगुनी होती तो वो नेस्त तो नबूद हो जाती हैं। अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरा उम्मत ही नहीं हो सकता है जो झूठा मकार और दगाबाज हो। ये मीडिया मीडिया खेलते रहे, ये टीवी टीवी खेलते रहे, हमने अदालत में अपना केस लड़ा, अल्लाह के फजल से आज शेख रशीद और अवामी मुस्लिम लीग का केस तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर 62 और 63 का केस है और जिस पर अभी 1 घंटे के बाद फैसला आना है। मैं कौम को कहना चाहता हूँ, मायूसी जो फैला रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, मत घबराएं। 33 साल से जिनको प्यार नहीं मिला वो आखिरी दिन प्यार की अपील कर रहे हैं। हम जिंदा हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ मरेंगे, ये कहना घिरा होगा पहले दिन से पाकिस्तान घेरे में। कौम जिंदा कौम है और अगर हमने करप्ट माशरे से निजात हासिल कर ली तो हम IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दुनिया की ताकतों से आजाद होंगे और दुनिया में एक इस्लामी मुल्क में तारीखी किरदार अदा करेंगे। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ जो भी फैसला आए वो हमें कबूल है। ये 5 अजीम जज हैं पाकिस्तान की तारीख में, ये 6 सुपर 6 जिन्होंने JIT की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ अल्लाह की पकड़ में आया है, हमें नहीं पता था ये पनामा क्या है, या इमरान खान को नहीं पता था। और मैं आपको ये बताता हूँ, जब हमने पिटीशन दायर की बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये हमने गलत किया है। कानून जब जिंदा होता है तो किसी तलाजमा को तलाजमाई की जरूरत नहीं पड़ती, सारी फोर्सेस आईन और कानून के पीछे खड़ी होती हैं। और वो लोग जो कहते थे साजिश हो रही है, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को साजिश की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर खुद साजिश का स्विच लगा हुआ है और वो खुद फनी खराबी का शिकार है साजिश के बारे में। आज तक नवाज शरीफ ने आप अहल मुझे मार, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, अपने आप को खुद आज इंसाफ का सूरज तुलू होने लगा है। इंशाअल्लाह ताला पहले मैं कह रहा हूं अगर हमारे खिलाफ फैसला आया वो भी कल भूल है, किसी की शामें गरीबा होगी और सच्चे लोगों का जश्न होगा इंशाअल्लाह।